इस अफसोस के साथ मत उठना कि कल तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए। यह सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप इतना बिजी रहने के बावजूद भी सुकून से कैसे रहते हो। उन सबको मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि दोस्त, सुकून से इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया जरूर है लेकिन किसी को दिया नहीं। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। पिछले कुछ समय से बहुत से व्यूअर्स और रियल एस्टेट से जुड़े मेरे कुछ मित्र बार बार यह आग्रह कर रहे थे कि आप रेरा कानून को लेकर, उसकी बारीकियों को लेकर साधारण और सरल शब्दों में एक ऐसी वीडियो बनाएं जिससे कि एक आम इंसान जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने से आज भी डरता है, उसका भय दूर हो सके। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के बारे में वह अच्छे से जान सके। आपसे अनुरोध कि मेरे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को कृपया आप आखिरी तक जरूर देखें। For property related videos, subscribe to the channel Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, ईश्वर की कृपा से पिछले लगभग 25-30 वर्षों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मेरी पहचान जो बनी वो यह है कि गिरीश अपने किसी भी क्लाइंट को हर डील के लिए पहले अवेयर करता है, इफ एंड बट सब कुछ अच्छे से समझाता है, तब कहीं जाकर कोई डील लेकर देता है। और सच पूछो तो यह छवि, यह पहचान ही मेरी जीत है। रियल एस्टेट की फील्ड में पब्लिक अवेयरनेस को लेकर अब तक लगभग 2000 से भी ज्यादा आर्टिकल लिख चुका हूं जो कि अलग अलग समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छप चुके हैं। कई फ्रॉड बिल्डर्स को भी बेनकाब कर चुका हूं जिस वजह से सैकड़ों लोग अब तक ठगी का शिकार होने से बचे। इस सब के चलते समाज की बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने समय समय पर मुझे जो सम्मानित किया उसके लिए मैं सभी सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। लोगों की जो दुआएं मिलती रही वो सब अलग। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यह बताना है कि पहले के और अब के समय में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। पहले बिल्डर बनने के लिए या किसी बिल्डर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ चला करता था कि किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाकर पैसा इकट्ठा किया जाए। अथॉरिटी से प्लॉट अलॉट करवाओ, उनको एडवांस मनी दो, समय लो और फिर बयाना देते के साथ ही पब्लिक को सवद बाग दिखाकर फंसा लो। और इस तरह हजारों लोग फंस भी चुके हैं जो बेचारे आज तक रो रहे हैं। मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में पब्लिक अवेयरनेस को लेकर रेरा आने से पहले और रेरा आने के बाद में भी कई आर्टिकल लिखे। बिल्डर फ्रॉड उससे कैसे बचे इस पर भी बहुत आर्टिकल लिखे, जिनका शीर्षक था कितना प्रभावी होगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल, नए रियल एस्टेट रेगुलेशन को ध्यान में रखे निवेशक, सरकार समय पर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे, रियल एस्टेट अब होगा रियल, प्रॉपर्टी लेते वक्त ध्यान से पढ़ें बिल्डर का एग्रीमेंट, मकान लेते समय लीगल एक्सपर्ट की मदद जरूरी, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उससे संबंधित तमाम जानकारी जुटाएं, बिल्डर के फर्जीवाड़े पर नकेल कसेगा रियल एस्टेट बिल, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ कर करें, प्री लॉन्च प्रॉपर्टी लेते वक्त बरतें अतिरिक्त सावधानी, पहली बार प्रॉपर्टी निवेश करने जा रहे हैं तो जरा सोचें, रियल एस्टेट की डील में फर्जीवाड़े से रहें सावधान, बैंक द्वारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही निवेश करें, नए प्रोजेक्ट नई लोकेशन कैसे करें विश्वास, आशियाने पर आफत दोषी कौन, प्रॉपर्टी के मामले में रहे सावधान, अमरपाली ग्रुप का मामला जल्द नहीं सुलझेगा, अमरपाली ग्रुप के ग्राहकों को न्याय जरूर मिलेगा, बिल्डर अब बड़े पैमाने पर घोटाला नहीं कर पाएंगे, रेरा कानून से लोगों में विश्वास बढ़ा, ग्राहक संयम रखें रेरा से उम्मीद बंधी, खरीदारों के हित की रक्षा करता है रेरा, रेरा से बिल्डर की मनमानी पर अंकुश लगा, जेपी और अमरपाली के सभी निवेशकों को 2 साल में फ्लैट दे अथॉरिटी। इस तरह के तमाम आर्टिकल आप मेरे फेसबुक पेज शांति प्रॉपर्टीज पर जाकर देख सकते हैं। अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर भी फ्रॉड बिल्डर से पब्लिक को अवेयरनेस करवाने के लिए कई ज्ञानवर्धक वीडियोस लोड कर चुका हूं जिन्हें आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। इनका शीर्षक है प्रॉपर्टी टिप्स एंड फ्रॉड,
रियल एस्टेट फ्रॉड बेस्ट सॉल्यूशन, बिगेस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉड इन साकेत पार्ट 1, 2 एंड 3। भूल कर भी ना खरीदना ऐसी जमीन, हो गया ना स्कैम। अगला प्रॉपर्टी फ्रॉड, लैंड पोलिंग पॉलिसी। उन सभी वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां लिंक प्रेस कर इस तरह के तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, सन 2016 से शुरुआत होते होते सन 2018 के बाद, जब से रेरा कानून पूरी तरह से लागू हो चुका है और सभी फ्रॉड बिल्डर्स की अच्छे से नकेल कसी जा चुकी है, तब से सिर्फ और सिर्फ वही बिल्डर्स उभर कर सामने आए हैं जो कि वास्तव में बिल्डर हैं, जिनका पिछला रिकॉर्ड शीशे की तरह साफ है, जिनके पास अपना खुद का पैसा हो और अच्छा खासा बैंक क्रेडिट है, अनुभव है, मार्केट में उनकी साख है। रेरा आने के बाद बदल गया मंजर। जैसा कि आप पिछले कुछ वर्षों में समाचार पत्रों या टीवी न्यूज के माध्यम से यह देखते आए हैं कि बिल्डर्स के झांसे में आकर कैसे भोले भाले लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई को गवा दिया, वो बेचारे ना घर के रहे और ना ही घाट के। आज मैं उन सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि रेरा आने के बाद रियल एस्टेट के क्षेत्र में बड़ी तेजी से मंजर बदला है। अब आप किसी भी रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में बेधड़क निवेश कर सकते हैं। ऐसी क्या बात है रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट में? दोस्तों, आज मैं रेरा से संबंधित उन सभी बारीकियों को आपको बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका निवेश अब रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में पूरी तरह से सुरक्षित है, और सरल शब्दों में यह भी बताऊंगा कि इसमें क्या नई बात है। निवेशक को एस्क्रो अकाउंट से क्या फायदा? सबसे पहले बात करते हैं रेरा एक्ट की सबसे बड़ी खूबी एस्क्रो अकाउंट के बारे में। दोस्तों, अब रेरा के तहत किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितना खर्च आ रहा है उसके लिए उस प्रोजेक्ट की नींव पर पहला फावड़ा मारने से भी पहले उस प्रोजेक्ट पर आने वाले कुल खर्च का 70% अमाउंट 70% कंपनी द्वारा डेवलपर्स को बैंक के एस्क्रो अकाउंट में जमा कराना होगा, और वह 70% अमाउंट डेवलपर की फर्म या उसके पर्सनल नाम से अकाउंट में जमा नहीं होगा। दोबारा से समझिए, वो 70% जो अमाउंट है वो डेवलपर की फर्म या फिर उसके पर्सनल नाम से अकाउंट में जमा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम पर ही बैंक में जमा करवाया जाएगा जिस प्रोजेक्ट का नाम डेवलपर ने रखा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि डेवलपर है DLF या BPTP, रहेजा ग्रुप या ओमेक्स या फिर कोई और भी, तो एस्क्रो अकाउंट में कुल लागत का 70% रुपया इन नामों से जमा ना होकर इन डेवलपर्स के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम पर जमा होगा जो नाम उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट का रखा होगा। जैसे कि ओमेक्स का पुरानी दिल्ली का प्रोजेक्ट है ओमेक्स चांदनी चौक, तो उस प्रोजेक्ट का 70% एडवांस अमाउंट ओमेक्स चांदनी चौक कलेक्शन अकाउंट में ही जमा होगा, ना कि ओमेक्स लिमिटेड के नाम पर। तो इस तरह से जैसे रेरा आने से पहले डेवलपर लोगों के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करके अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया करते थे, या पब्लिक के उन रुपयों को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया करते थे, बेचारा बायर निवेशक उससे अपने को बहुत ठगा सा महसूस करता था, कुछ कर भी नहीं पाता था, उसे मालूम ही नहीं था कि कहां जाए, कहां फरियाद करे। उस सब पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग चुका है। इससे सरकार आपको और आपके द्वारा दिए जा चुके अमाउंट को किसी भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में सेफ ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ कर रही है। भारत सरकार खुद ही इसकी जिम्मेदारी ले रही है, इसके लिए आपको अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। इसके लिए जवाबदाई और किसकी होगी? हां, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस सब के लिए सरकार के प्रति जवाबदाई अब सिर्फ डेवलपर की ही ना होके बल्कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के CA की भी होगी, उस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट की भी होगी जिनका डेवलपर ने अपने उस प्रोजेक्ट के लिए आउटसोर्स किया होगा। आर्किटेक्ट जब लिखित में यह सुनिश्चित करेगा, अपने साइन के साथ फर्म की स्टैंप भी लगाएगा कि ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो चुका है, तभी CA एस्क्रो अकाउंट के उस 70% एडवांस मनी में से ऊपरी फ्लोर के पैसे को रिलीज करेगा, उससे पहले नहीं। इस तरह अपने मनमाने तरीके से डेवलपर उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के अलावा अपने एस्क्रो अकाउंट में जमा किया गया 70% रुपयों को अपनी मर्जी से किसी भी तरह मिसयूज नहीं कर पाएगा। रेरा आने के बाद अब आप
डेवलपर के प्रोजेक्ट में निवेश नहीं, पार्टनर कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रेरा आने के बाद अब निवेशक सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का निवेशक ही नहीं रहता जिसमें वह पैसा लगाता है, बल्कि उस प्रोजेक्ट में बिल्डर के साथ उसका प्रोपोर्शनेट पार्टनर बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी डेवलपर का 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मैंने अपने किसी क्लाइंट का उस प्रोजेक्ट में मात्र 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराया, वह मेरा क्लाइंट उस डेवलपर के साथ मात्र 4 करोड़ रुपया निवेश करके उसमें 1% का प्रोपोर्शनेट पार्टनर बन जाएगा। और रेरा कानून के तहत सरकार डेवलपर के उस 70% जमा किए गए रुपए में से मेरे उस क्लाइंट को प्रोटेक्ट करेगी, उसको सेफ रखेगी। रेरा कानून के तहत CRR का क्या मतलब और उससे क्या फायदा? CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशो। रेरा आने के बाद निवेशकों को इससे बहुत फायदा हुआ है। रेरा से पहले क्या होता था कि बिल्डर या डेवलपर ने अगर किसी अथॉरिटी का प्लॉट लिया तो अथॉरिटी से 60-60 करके कुछ अमाउंट जमा करवाया और बाकी बैलेंस अमाउंट का 4-5 साल का समय ले लिया। और अगर कोई प्राइवेट लैंड है तो भी बयाना या कहें कि अर्नेस्ट मनी दिया और साइड पर झंडे लगा दिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, लोगों से बुकिंग के जरिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए फंड है नहीं, ना अभी जमीन अपनी और ना ही कंस्ट्रक्शन के लिए रुपया अपने पास, फिर भी बन गए डेवलपर। अब अगर निवेशक के पास से पैसा आएगा तो प्रोजेक्ट पूरा होगा, और अगर नहीं आया तो प्रोजेक्ट फ्लॉप, राम जी के भरोसे। उस समय जिसे बिल्डर का बी और डेवलपर का डी भी नहीं पता होता था ना, वह भी इस पेशे में कूद गए, जिसका खमियाजा तब से लेकर अब तक उस समय के हजारों भोले भाले निवेशक भुगत रहे हैं। लेकिन देरा आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्लॉट खरीदने के बाद अगर 70% रुपया आपने एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाया है तो ही आप नींव की पहली ईंट रख पाएंगे, वरना नहीं। यानी कि अगर प्रोजेक्ट 400 करोड़ का है तो डेवलपर को 280 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट के एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाना होगा, पहले ही जमा करवाना होगा, जिसका उपयोग वह केवल उसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए ही कर सकता है। इस सब का रिजल्ट जो है, या कहें कि इसका फायदा जो हो रहा है, वो यह है कि रियल एस्टेट मार्केट में अब सिर्फ एक क्लास डेवलपर ही टिक पाएगा, बाकी सब साफ। यही कारण है कि फ्रॉड डेवलपर अब रेरा अप्रूव्ड हो ही नहीं सकता। क्या रेरा का लाइसेंस ही अपने आप में अप्रूवल है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट को रेरा का लाइसेंस तभी मिलता है जब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सभी तरह के अप्रूवल पूरे हो जाए, उसे सभी तरह के अप्रूवल मिल जाए। एक भी अप्रूवल पेंडिंग रहने पर कोई भी डेवलपर रेरा से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता। अब एक आम निवेशक के जहन में जो बात आ रही होगी वो यह है कि अप्रूवल कौन कौन से, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रोजेक्ट की हाइट को लेके एविएशन अप्रूवल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से अप्रूवल, NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया से अप्रूवल। यानी कि 100 बातों की एक बात कि हर तरह के अप्रूवल लेने के बाद ही रेरा डेवलपर्स को प्रोजेक्ट का लाइसेंस इशू करेगा, वरना नहीं। इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी क्लाइंट्स को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट के निवेश से बचें, निवेश ना करें। अब अगर इसके बाद भी कोई बिल्डर डिफॉल्टर हो जाए तो? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर रेरा के इस सब तामझाम के बाद भी कोई बिल्डर किसी भी कारणवश अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाए तो उस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा बनाई गई एजेंसी NBCC द्वारा टेक ओवर करके उसे पूरा किया जाएगा। NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड। पिछले कुछ समय से TV और समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बहुत से ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट जो कि सन 2016 से भी पहले के, अब रेरा के अंतर्गत लाकर उन्हें NBCC द्वारा पूरा कर निवेशकों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसलिए अब निवेशक को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लिखित सच्ची, बाकी सब झूठा। अब रेरा कानून की सबसे अहम बात, सबसे बड़ी खूबी कि अगर रेरा के तहत आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, यदि डेवलपर ने आपको कुछ भी लिखित में दिया है तो उसे उस बात को पूरा करना पड़ेगा, उसे ऑनर करना पड़ेगा। वह किसी भी तरह से अपने उस वादे से मुकर नहीं सकता।
इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स से, सभी निवेशकों से यही निवेदन करूंगा कि भले आप मेरे द्वारा या फिर किसी और रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा प्रॉपर्टी में निवेश करें, लेकिन सब कुछ लिखित में यानी कि रिटर्न में लें। वर्बली बातों का तो कोई मोल नहीं है होता। जो ढाई इंच की जुबान है ना, जाने कब फिसल जाए, कब मुकर जाए। एक पुरानी कहावत है ना, लिखित सच्ची बाकी सब झूठा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि इससे बेहतर और साधारण तरीके से रेरा की बारीकियों के बारे में आज तक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी ने भी ना समझाया होगा। जल्द ही दिल्ली के एक ऐसे सिक्काबंद प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें भले ही अब बहुत कम इन्वेंट्री बिकने के लिए बची है, लेकिन आज भी जो उसमें इन्वेस्ट करेगा, मेरा दावा है कि भविष्य में मालामाल हो जाएगा। अपनी अगली वीडियो में विस्तार से उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। रियल एस्टेट से रिलेटेड अपनी इस ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मैं जल्द ही आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।